एक सवाल है जो एक कहते हैं ना कि मैं ओपन हाउस के लिए करता हूँ, कोई भी जवाब इसको दे सकता है। इंश्योरेंस एक सिंपल प्रोडक्ट है, ये आपने इंश्योरेंस लिया, आप बीमा देते हैं। भगवान ना करे अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो गया तो उसके नॉमिनी को या परिवारजनों को एक प्रकार का प्रीमियम मिल जाता है, सहायता मिल जाती है, जो कि फाइनेंशियल सहायता, इमोशनल सहायता नहीं है, एक सिंपल प्रोडक्ट है। आप हर साल बीमा देते हैं, अगर आप आउटलिव करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है थैंक यू वेरी मच, अगर आप आउटलिव नहीं करते हैं तो आपके परिवार वालों को पैसा मिलता है। इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है इस प्रोडक्ट में, मैं एक सिंपल रख रहा हूँ, राइट? एक तरफ की इंश्योरेंस है ये, हाँ एक तरफ, मतलब तो दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट, दैट इज हाउ इंश्योरेंस। मैं पढ़ रहा था कि कहाँ पे इंश्योरेंस का आजाद हुआ था, तो स्कॉटिश इंश्योरेंस था, दो प्रीस्ट ने करा था जब वॉर होती थी, थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं दर्शकों को मैं बता दूं। बल्कि मेरा सवाल सबसे है, कोई भी इसको जवाब दे सकता है, सिंह साहब दिल्ली से भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ यू नो रंजीत जी हैं वह भी जुड़ सकते हैं, इतनी सिंपल प्रोडक्ट को हम एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री क्यों बना चुके हैं? सिंपल प्रोडक्ट है मगर यह सेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है कि मतलब मुझे आश्चर्यचकित होता है, मल्टीपल पॉलिसीज, मल्टीपल स्कीम्स, मल्टीपल वेज इन विच वी सेल, एंड दैट लीड्स टू कन्फ्यूजन। इंश्योरेंस एक सिंपल प्रोडक्ट है मगर परहैप्स इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर। कौन जवाब देना चाहेगा इसका? मैं शायद जवाब देना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि इंश्योरेंस कई तरह की होती है। लाइफ इंश्योरेंस में भी यही सबको ये है कि टर्म इंश्योरेंस इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, जो आपने डिस्क्राइब किया वो टर्म इंश्योरेंस है, क्योंकि अगर मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, कुछ हादसा हुआ मेरे साथ, मेरे नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। दिस इज वॉट वी कॉल इंश्योरेंस अगेंस्ट लिविंग टू शॉर्ट, राइट? देर इज ऑल्सो इंश्योरेंस अगेंस्ट लिविंग टू लॉन्ग, राइट? बिकॉज वॉट हैपन्स इज सपोज आप रिटायर होने वाले हैं, अभी इंडिया में बाई 2030 161 मिलियन पीपल वुड हैव क्रॉस द एज ऑफ 60। इन्फ्लेशन हर्ट्स रिटायरीज फार मोर देन इट हर्ट्स अर्निंग पॉपुलेशन, क्योंकि आपका कोई इनकम नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, आप कैसे जियोगे? सो देर आर प्रोडक्ट्स विच टेक केयर ऑफ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ कस्टमर्स, राइट? उसमें इंश्योरेंस का एक कवर होता है, जहां आपको साथ कुछ होता है तो 10 गुना जो प्रीमियम आपने भरा है वो आपको मिलेगा, लेकिन इट टेक्स केयर ऑफ लिविंग लॉन्ग। दोज आर एन्युटी प्रोडक्ट्स, दोज आर पेंशन प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स लाइक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स, जहां पे आपको आज के तारीख में मैं आपको एक गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो पैसा आपने हमें दिए भी नहीं, आप देने वाले 10 साल में हमें पैसा। बट ये गारंटीड रिटर्न में भी तो पेच है ना सर, उसमें भी तो इन्फ्लेशन मार्क खा जाएगा ना, तो अभी आप मुझे गारंटीड रिटर्न बता रहे हैं। अगर आप 5 लाख के नीचे वाला इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, आज के दिन पे आप 6% और 7% के बीच का टैक्स फ्री इनकम आपको मिलेगा, जो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको आज दे नहीं सकते हो। इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम, आई डू अग्री, बट उसको हेज करने के लिए कम से कम 7% 6.5% टैक्स फ्री रिटर्न तो कमा लो आप, कम से कम उतना तो प्रोटेक्ट किया आपने आपके फ्यूचर को।